दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 7 32 इंचेस एंड्रॉइड स्मार्ट टीवीज जो फिलहाल इंडिया में बेस्ट सेलिंग स्मार्ट टीवीज है। इन सभी के प्राइस 10,000 रुपीज से लेकर 20,000 रुपीज के बीच होने वाली है, तो जो भी आपका बजट होगा उस हिसाब से आपको हर एक प्राइस कैटेगरी में बेस्ट स्मार्ट टीवी मिल जाएगी। तो देखेंगे इन सभी के डिटेल, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और जानेंगे आपके लिए कौन सी स्मार्ट टीवी लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहली स्मार्ट टीवी है LG 32 इंचेस HD स्मार्ट टीवी। देखो अगर आप आफ्टर सेल सर्विस और पिक्चर क्वालिटी से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और बाकी फीचर्स आपको इतने मैटर नहीं करते तो इसे परचेस कर लो। इसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगी क्योंकि LG खुद की वेब OS अपनी सभी स्मार्ट टीवीज में यूज करता है, लेकिन LG की सर्विस आपको इंडिया में किसी भी जगह पर मिल जाएगी। इसमें आपको थोड़ा प्रीवियस जनरेशन वाला डिजाइन मिलेगा जिसके बेजल्स की साइज थोड़ी बड़ी है, लेकिन एक बेस्ट पिक्चर क्वालिटी वाली स्मार्ट टीवी है। यह 32 इंच की A+ ग्रेड HDVA पैनल, HDR10 प्रो, HLG, HDR टोन मैपर और AI ब्राइटनेस कंट्रोल्स के साथ। इसमें 10 वॉट्स के स्टीरियो स्पीकर्स, Dolby Digital Plus, 1GB RAM, 8GB स्टोरेज, वॉइस रिमोट कंट्रोल, LG वेब OS, गूगल असिस्टेंट, सभी पॉपुलर OTT एप्स का सपोर्ट और 1 ईयर की वारंटी आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, 2 HDMI पोर्ट, ERC कनेक्टिविटी, एक USB पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट और एक RF पोर्ट देखने को मिलते हैं। अभी इसके प्राइस 16,000 रुपए है जो थोड़ी बहुत कम ज्यादा होती रहती है। अगर आप स्मार्ट टीवीज में ज्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते और एक बेस्ट पिक्चर क्वालिटी वाली स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। वैसे इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगली है रियलमी 32 इंच स्मार्ट टीवी। देखो इसमें HD रेजोल्यूशन और फुल HD रेजोल्यूशन वाले दो वेरियंट्स मिलेंगे जिनकी प्राइस फिलहाल 12,000 रुपए और 14,000 रुपए है। दोनों में डिजाइन आपको लगभग सेम ही मिलेगा, बट फुल HD टीवी में आपको 1920x1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिलेगा जो नॉर्मली 1366x768 से काफी बेटर है, तो इसमें आपको स्मूथ और शार्प पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। दोनों ही एंड्रॉइड 9 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं जो काफी प्रीवियस जनरेशन का एंड्रॉइड वर्जन है और यही इसका एक मेन ड्रॉबैक है। तो याद ये 32 इंच की A+ ग्रेड फुल HDVA पैनल, HDR10, क्रोम बूस्ट पिक्चर इंजिन, 85% NTSC कलर गैमेट और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसमें 24 वॉट स्टीरियो स्पीकर्स, डॉल्बी ऑडियो, 1GB रैम, 8GB स्टोरेज, ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल, एंड्रॉइड 9 ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल प्ले स्टोर, बिल्ट इन क्रोमकास्ट, वॉइस असिस्टेंट और 1 ईयर की वारंटी आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें भी ड्यूअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, ERC कनेक्टिविटी और RF पोर्ट देखने को मिलते हैं। इसके फुल HD वेरिएंट की प्राइस 14,000 रुपए है जो पहले 16,000 रुपए थी। इस प्राइस में एक बेस्ट डील है क्योंकि 32 इंच फुल HD टीवी में इसे छोड़कर ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो आपके बजट के हिसाब से इन दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस लिस्ट की अगली स्मार्ट टीवी है Redmi 32 इंच HD स्मार्ट टीवी। देखो इसमें भी आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम और एक एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला वेरिएंट। दोनों की प्राइस और स्पेसिफिकेशंस लगभग सेम है, बट यहाँ पर डिजाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में अलग अलग मिलेगी। एक में आपको एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे में Amazon फायर टीवी OS मिलती है। दोनों की पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी लगभग सेम है, बट यहाँ पर Redmi फायर टीवी बेजललेस डिजाइन के साथ आती है जो दिखने में थोड़ी प्रीमियम लगती है। पर्सनली मैं आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला वेरिएंट सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसमें पैच वॉल 4 और IMDb का इंटीग्रेशन मिलता है, तो यूजर एक्सपीरियंस आपको इसमें थोड़ा बेटर मिलेगा। यह 32 इंच की A+ ग्रेड HDVA पैनल, विविड पिक्चर इंजिन, डायनामिक कलर कॉन्ट्रास्ट, माइक्रो डिमिंग और ऑटो लो लेटेंसी मोड के साथ। इसमें 20 वॉट स्टीरियो स्पीकर्स विद DTS वर्चुअल X, Dolby Atmos, 1GB RAM, 8GB स्टोरेज, ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल, Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, पैच वॉल 4 विद IMDb इंटीग्रेशन, गूगल प्ले स्टोर, बिल्ट इन क्रोमकास्ट, वॉइस असिस्टेंट, सभी पॉपुलर OTT एप्स का सपोर्ट और 1 ईयर की वारंटी आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, ERC कनेक्टिविटी, ईथरनेट पोर्ट और AV पोर्ट्स दिए गए हैं। अभी इसकी प्राइस सिर्फ 12,000 रुपए है जो थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। इस प्राइस में एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट टीवी है, तो अगर आप एक फीचर रिच और डिसेंट पिक्चर क्वालिटी वाली स्मार्ट टीवी चाहते हो तो डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो। अब चलते हैं अगली स्मार्ट टीवी की तरफ, तो वो है Acer i-Series 32 इंच HD स्मार्ट टीवी। इसमें भी आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, दोनों में लगभग 1,000 रुपए का डिफरेंस है। एक में आपको Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, 24 वॉट स्टीरियो स्पीकर्स और 8GB की स्टोरेज मिलेगी, तो दूसरा गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम 30 वॉट स्टीरियो स्पीकर्स और 16GB स्टोरेज के साथ आता है। गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम है और दोनों में आपको प्ले स्टोर का सपोर्ट मिलेगा। तो पर्सनली मैं आपको गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम वाला वेरिएंट सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो 8GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के साथ भी जा सकते हो।
यह थे 32 इंचेस की A+ ग्रेड HDVA पैनल, HDR10+, इंटेलिजेंट फ्रेम स्टेबलाइजेशन, माइक्रो डिमिंग, ब्लू लाइट रिडक्शन और डायनामिक कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ। इसमें 30 वॉट स्टीरियो स्पीकर्स, डॉल्बी ऑडियो, 1.5 GB रैम, 16 GB स्टोरेज, गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल, गूगल प्ले स्टोर, वॉइस असिस्टेंट, बिल्ट इन क्रोमकास्ट, सभी पॉपुलर OTT एप्स का सपोर्ट और 1 ईयर की वारंटी आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, AV पोर्ट और RF पोर्ट दिए गए हैं। इसकी प्राइस अभी 13,000 रुपये है, जो सेल वगैरह में आपको और भी कम प्राइस में मिलता है। इसमें पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बेस्ट लेवल की मिलेगी, साथ ही 16 GB की स्टोरेज भी मिलती है, तो ये भी एक बेस्ट डील है, इसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। इन दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगली स्मार्ट टीवी है MI 5A। दोस्तों, इस प्राइस कैटेगरी की सबसे प्रीमियम डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी इसमें मिलेगी, क्योंकि यह आती है प्रीमियम मेटल बेजललेस डिजाइन के साथ, जो इस प्राइस की ज्यादातर स्मार्ट टीवी में देखने को नहीं मिलता। बाकी पिक्चर क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन आपको रेडमी 32 इंच स्मार्ट टीवी की तरह ही मिलेंगे, बट अभी जिस प्राइस में ये मिल रही है तो मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड स्मार्ट टीवी है। मैंने भी इसे परचेस किया है और पिछले 4-5 महीने से इसे यूज भी कर रहा हूँ। यदि 32 इंच की A+ ग्रेड HDVA पैनल, विविड पिक्चर इंजिन, डायनामिक कलर कॉन्ट्रास्ट, माइक्रो डिमिंग, ऑटो लो लेटेंसी मोड और ब्लू लाइट रिडक्शन के साथ। इसमें 20 वॉट स्टीरियो स्पीकर्स विद DTS वर्चुअल X, डॉल्बी एटमॉस, 1 GB रैम, 8 GB स्टोरेज, ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल, एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, पैच वॉल 4 विद IMDb इंटीग्रेशन, गूगल प्ले स्टोर, बिल्ट इन क्रोमकास्ट, वॉइस असिस्टेंट, सभी पॉपुलर OTT एप्स का सपोर्ट और 1 ईयर की वारंटी आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट और AV पोर्ट दिए गए हैं। इसकी प्राइस 13,000 रुपये से 14,000 रुपये के बीच फ्लक्चुएट होती रहती है। इस प्राइस में एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस वाली स्मार्ट टीवी है और मेरी तरफ से भी आपको हाईली रिकमेंडेड रहेगी। वैसे इसकी बिलिंग डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं इस लिस्ट की आखिरी स्मार्ट टीवी की तरफ, तो है OnePlus Y1S। दोस्तों, इस प्राइस कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर क्वालिटी वाली स्मार्ट टीवीज में से एक है। ये भी बेजललेस डिजाइन के साथ मिलेगी। इसमें आप HDR10 और HDR10+ का कंटेंट भी प्ले कर सकते हो, तो इसमें व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। यह 32 इंच की A+ ग्रेड HDVA पैनल, HDR10, HDR10+, HLG गैमा इंजन, इंटेलिजेंट फ्रेम स्टेबलाइजेशन इंजन, माइक्रो डिमिंग, ब्लू लाइट रिडक्शन और डायनामिक कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ। इसमें 20 वॉट स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी ऑडियो, 1 GB रैम, 8 GB स्टोरेज, एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल, गूगल प्ले स्टोर, OnePlus Connect 2.0, ऑक्सीजन प्ले 2.0, वॉइस असिस्टेंट, बिल्ट इन क्रोमकास्ट, सभी पॉपुलर OTT एप्स का सपोर्ट और 1 ईयर की वारंटी आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, AV पोर्ट और RF पोर्ट देखने को मिलते हैं। अभी इसकी प्राइस 16,000 रुपये है, जो थोड़ी ज्यादा है। नॉर्मली आपको 14-15 हज़ार रुपये में मिलती है। अगर ये आपको 15,000 रुपये के अंदर मिल रही है तो इसे बाय कर सकते हो, तब आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी। वैसे इन सभी स्मार्ट टीवीज की बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बेस्ट 32 इंच एंड्रॉइड स्मार्ट टीवीज। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। So that's it for today. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।